मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है और ये मेरी वाइफ है शोभा सिंह। मेरा घर सासाराम बिहार है। मैं यहाँ एक साल से पिछले एक साल से दवा करा रहा हूँ। मेरा क्रिएटिनिन स्टार्टिंग में 5.5 था, जो घट के 3.9 आया था। फिर कुछ कारण से थोड़ा लापरवाही हुआ जिसके चलते थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन अभी 5 पर कांस्टेंट है। पिछले एक साल से दवा मेंटेन चल रहा है। हाँ, हम यहाँ की इलाज से संतुष्ट हैं। हम बाकी लोग को राय यही देंगे कि जो जो अंग्रेजी दवा जो भी करा रहे हैं, उनसे आग्रह है कि अंग्रेजी दवा मत खाएं और यहाँ आकर के आयुर्वेदिक दवा का इलाज कराएं, जिससे कि उनको यथासंभव फायदा ही हो। मेरा अनुभव यहाँ ठीक रहा है। सारे डॉक्टर कोऑपरेटिव हैं और बीके सर खासकर, उन्होंने तो दिल ही जीत लिया। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और मैं चाहूँगा कि उनके इलाज के दौरान ही सब पेशेंट सही रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया, बीके आरोग्य में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आरोग्य में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, कई बार वो चमत्कार की आशा करते हैं, मगर मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि आप मुझसे दो आशा करिए। एक कि डायलिसिस नहीं हुई है तो कभी न करनी पड़े, ट्रांसप्लांट न करना पड़े, और चल रही है तो जितनी जल्दी हो सके रोकने की कोशिश की जाए, और इसके बाद एक नॉर्मल और स्वस्थ लंबी जिंदगी आप जी सके। दोस्तों, सामान्य तौर पर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में कुछ ही शॉर्टर लाइफ होती है ऐसे पेशेंट्स की जो इलाज दे रहे होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में पेशेंट एक स्वस्थ, नॉर्मल और लंबी जिंदगी जी पाता है। और आज की केस स्टडी ऐसे ही पेशेंट के बारे में हम बात करेंगे। नाम है राकेश कुमार सिंह, सासाराम बिहार के निवासी है। सासाराम जी पिछले एक सालों से अधिक समय से आरोग्य से जुड़े हुए हैं और रेगुलर इलाज ले रहे हैं। जब पहली बार इनको किडनी की प्रॉब्लम को पता चला, इनका क्रिएटिनिन लगभग 6 के आसपास पहुंच चुका था और डायलिसिस की सलाह दी जा चुकी थी। इन्होंने इलाज शुरू किया और उनका क्रिएटिनिन बढ़ना रुक गया। धीरे धीरे इनका क्रिएटिनिन घटना शुरू हुआ और घटते घटते ये 3 पॉइंट तक पहुंचा और ये डायलिसिस खतरे से तो बाहर ही हो गए, एक नॉर्मल मेंटेन लाइफ में गए। दोस्तों, मैं अपने पेशेंट को बताता हूं कि क्रिएटिनिन घट के एक पे पहुंचे जरूरी नहीं है। किसी का क्रिएटिनिन 2 पे जाकर रुकता है, किसी का 4 पे जाकर रुकता है और वहां पर स्थिर हो जाता है, फिर वो न घटता है न बढ़ता है। फिर हम मेंटेनेंस मेडिसिन के थ्रू एक नॉर्मल मेंटेनेंस मेडिसिन या नॉर्मल मेडिसिन मेंटेनेंस ट्रीटमेंट चला पाते हैं। ये मेंटेनेंस मेडिसिन जिसके बारे में हम दावा करते हैं कि दुनिया का सबसे सस्ता इलाज है किडनी पेशेंट्स के लिए, जहां पर वो बिना डायलिसिस के, बिना ट्रांसप्लांट के एक नॉर्मल, स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी पाते हैं। ऐसे हजारों पेशेंट जो आज आरोग्य के इलाज से नॉर्मल और स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं, राकेश कुमार सिंह जी जो सासाराम के निवासी हैं, उनमें से एक है। ये वीडियो उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो आयुर्वेद को चमत्कार समझते हैं या चमत्कारी इलाज की तलाश में आते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं इन इस केस स्टडी के माध्यम से, राकेश कुमार जी के माध्यम से, कि इनकी तरह अपने डाइट को थोड़ा मेंटेन करके रेगुलर मेडिसिन के थ्रू किडनी फेलियर से लड़ा जा सकता है, उससे जीता जा सकता है, एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी जा सकती है। इस मिथ को मैं तोड़ना चाहता हूं कि किडनी पेशेंट की ज्यादा लाइफ नहीं होती है, किडनी पेशेंट ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते हैं, कुछ दिन ही जीवित रहते हैं, ऐसा नहीं है। सही प्रॉपर ट्रीटमेंट, सही मेडिसिन के साथ, सही डाइट के साथ एक स्वस्थ लंबी जिंदगी जी जा सकती है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, आप या आपके परिचय में कोई भी व्यक्ति अगर किडनी के किसी डिजीज से पीड़ित है तो उस तक वीडियो जरूर पहुंचाएं। आपकी एक शेयर किसी की लाइफ बचा सकती है। किसी भी तरह की जानकारी, इंफॉर्मेशन के लिए बिना झिझक के आप कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स या एडवाइजर्स आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे।